इतना ज्यादा हो गया, कितने ज्यादा आगे तो आ गया हमारा। दो ढाई घंटे लगातार चलने के बाद पानी पिया बस अभी। चलो यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। तो अभी हम लोग जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और सुबह के 9 बजे होंगे, तो सुबह 9 बजे हम लोग घर से निकले थे। बैग भी पैकिंग कर लिए और ज़रूरत का उतना ही सामान रखा है जितना हमें 2 दिन में चाहिए, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है कि सामान कम रखे, जितना कम होगा उतना हमारे लिए आसान होगा। तो सामान सब पैक करके अभी हम लोग घर से निकल लिए थे और सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। फिर हमने रास्ते में नाश्ता किया, हमने एक सैंडविच ले लिया, 2 चाय ले ली, खा के फिर आगे निकल जाएंगे। फिर दोपहर में लंच कब होगा ये भी पता नहीं है ना। और हम लोग जा रहे हैं हिमाचल कसौली, तो वो हमें पास में लग रहा दिल्ली से, तो इसलिए पे आए हैं हम दोनों। और आवाज़ बहुत हो रही है यहाँ पे, तो बीच में रुके थे, चाय पी थी वैसे, और जब कंटिन्यू चलते चलते अभी हमने गाड़ी रोकी है, तो स्कूटी पे जा रहे हैं हम लोग साथ में दोनों। तो चलिए अभी कुछ काफ़ी आगे पहुंच गए हम लोग, क्योंकि हरियाणा पार होने वाला है और इसीलिए हम कमर सीधी करने के लिए रुके थे यहाँ पे थोड़ी देर, और उसके बाद फिर चलते हैं आगे की तरफ। बंद कर सामान, हाँ रुको, सामान हमने स्कूटी पे ले रखा है और ऐसे करके पहले मैं बैठती हूँ, पीछे बैग रखा ना तो फिर बैठा नहीं जाए, मैं इस तरफ पैर करके बैठ जाऊँ। हाँ ना, रुको एक मिनट, यूँ बैठे बैठे तो पैर दुखने लगे, इस साइड बैठूंगी, ये पकड़ियो हेलमेट, तुम्हें बैठो पहले, फिर मैं इस तरफ तो बैठ जाऊंगी। और सुबह ठंड बहुत लग रही थी, आधे रास्ते दिल्ली से तो हम ऐसे ही आ गए और रास्ते में उतर के फिर से और लपेटे दोनों ने ऐसे, अब इतनी ठंड नहीं लग रही, अब तो धूप निकली हुई है अच्छी, हेलमेट भी लगाना है। अच्छी धूप निकल रही है, एक चलन में ठीक भी लग रहा है, पहाड़ा में पहुँचाते पहुँचाते ज़्यादा वो हवा लगेगी, सांझ नहीं होनी चाहिए, 5 बजे तक पहुँच जाऊँगे हम। तो अभी बस मुझे पहाड़ों का इंतज़ार है कि पहाड़ दिखने लग जाएंगे तो समझो हम लोग पहुँच गए, और काफ़ी टाइम भी हो गया चलते चलते, बस अब हम पहुँचने वाले हैं। और तो मैं कहाँ बैठ रही हूँ, सर्दी तो ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि हमने तो अच्छे से कपड़े पहन लिए थे। पानी पियोगे? पानी पीना है, कहाँ गया वो, गिर गया तो ये हो रही ना, पी ले। कितने ज़्यादा आगे तो आ गया हमारा, 2-2.5 घंटे लगातार चलने के बाद पानी पिया बस अभी। चलो यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। कसौली में एक सनसेट पॉइंट भी पड़ेगा रास्ते में, तो हम लोग सोच रहे हैं सनसेट होते होते उससे पहले हम लोग पहुंच जाए और टाइम पे चले गए तो आप लोगों को दिखा भी देंगे, इसलिए भी हमें जल्दी हो रही है जाने की और ज़्यादा एक्साइटमेंट है देखने की, आप लोगों को भी दिखाएंगे टाइम से पहुंच गए तो। कोशिश तो यही है हम टाइम पर पहुँच जाए। पेट्रोल भी डलवाया है रुक के, क्योंकि फिर आगे पता नहीं कितनी आगे मिलेगा, इसलिए हमने पहले ही डलवा लिया और दिल्ली से फुल करा के चले थे और अभी यहाँ पर डलवा रहे हैं, तो खाली भी था, हमने सोचा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से डलवा ले और फिर आगे चलते हैं। आगे जाते फिर हमने चाय पी और जिस चीज़ का इंतज़ार था वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बार बार में बस वही देखती जा रही थी कि पहाड़ आए हैं या नहीं आए, क्योंकि रास्ते में आने शुरू हो जाएंगे ना, तो मैं सोच रही थी तब से ही वीडियो स्टार्ट करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। और डबल ये जो है ना रोड बना हुआ है हिमाचल में, तो रास्ते की तो कोई दिक्कत नहीं है, और फाइनली पहाड़ दिख भी गए मुझे सामने, और मैंने वीडियो बनाना शुरू कर भी दिया था, इसीलिए मैंने फटाफट से दोबारा कैमरा लिया और ऑन कर लिया कि शुरुआती वो तो मुझे देखना ही है। तो चलिए जी, हमने हिमाचल में इंटर भी कर लिया और सनसेट पॉइंट पे भी देखते हैं पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते टाइम पर, तो अभी तो काफ़ी आगे जाना है, होटल भी लेना है, तो इसीलिए
राइट टाइम पे आए हैं हम लोग। जब भी हमने देखा ना कि कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से सनसेट पॉइंट से, और दिन ढलता हुआ, सूरज छिपते हुए दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और आप लोगों को दिखाने की कोशिश बहुत मतलब दिख रहा है, जैसा रेड अब अपने आँख से देख पा रहे हैं ना वैसा दिख रहा है, दिख रहा ना, देखिए कती डूबता दिख रहा है, ऐसा कहीं दिखता है पॉइंट, ऐसा पॉइंट है ना, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। आजा डूब गया। वीडियो में ना दिख पाया, हाँ जितना सामने तो देख पाया हम ना, एक ठंड लग रही है, कुछ गिर गया, हाँ नमक है इसमें मेरा, नमक था, हाँ सीधा करो बैग, होटल का लोगे, आगे चले चल चल मान चलो 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 चले, अभी चलने का टाइम हो गया और सामान हमने पैक कर लिया, थैला ना टूट जाए, चलो यो होटल गिल्ला हो रहा है, तो लो ले ले, चलो यो उठा दो, वो ज्यादा भारी कर रखा शायद, देखो उठा के, हाँ चलो आ जाओ, हेलमेट तो ले उठा लाओ तुम, एक हाथ में यहाँ व्यू दिखाने लायक तो कुछ नहीं था, लेकिन ऐसी जगह हम लोग रुके थे, बस जल्दबाजी में रात को जो भी मिला ना वो होटल ले लिया हमने। अरे आया तो है पर पीछे है ना, धूप अच्छी निकली आज, मौसम सही है, कल भी सही था वैसे, धूप थी दोपहर में तो। चलो समोसे यहाँ पे ले लियो, चाय वहाँ बना लेंगे, सामने ही दुकान है समोसे की, पे जो दुकान थी ना समोसे वाली वो तो अभी बंद है, आगे देखते हैं, और गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी थी, चाय तो पीनी पड़ेगी एक बार तो दुकान पे था, चाय पी के जब आगे चलेंगे, सामान डालना मुश्किल है, और हाँ स्कूटी पे तो इतना आ भी रहा, बाइक पे तो कुछ भी ना पाता, कसौली ज्यादा ऊंचाई पे है, ये सारे ढलान के रास्ते ज्यादा, और ये वाला तो कुछ भी ऊंचा ना है, जामरात में होटल ढूंढ रहे थे वो बहुत ज्यादा ऊंचा था, ढलान पे ज्यादा था। चाय मंगा ली, मीठा जरूर खाओगे? कल भी इसी दुकान पे चाय पी थी ना, साथ में रसगुल्ले लिए थे, ये दुकान थी वो, हिमाचल की कौन सी फेमस मिठाई होती है वो लेते हैं, यही की भी होती होगी क्या पता ना, लंगूर बंदर बहुत ज्यादा है, वैसे बंदर भी है, ये चर्च तो सामने ही, ये कौन सा है, यही है, दो मिनट का भी रास्ता ना था, बड़े ऊंचाई पे है यहाँ रास्ते, स्कूटी उतारोगे बिना उसके, बिना चलाए उतार लो, पता नहीं, हाँ ये मेन गेट तो बंद है, खुला नहीं होगा तो अभी, मेन गेट बंद है या दूसरा रास्ता होगा कहीं, चलो अभी हम चर्च में आए, चर्च तो सामने ही था, दो मिनट का रास्ता था हमारी होटल से, चर्च का जो मेन गेट था ना वो तो अभी बंद था, शायद हम जल्दी आ गए, तो पहले हम जा रहे हैं मंकी पॉइंट, देखते हैं वो कितनी दूर है, और आते समय फिर चर्च में होके हम सीधा फिर घर के लिए निकल जाएंगे, शायद आज ही जाएंगे हम घर, या रुकोगे एक दो दिन और? रुक जाओ, गाड़ी चलाने वाले तुम हाँ बोलोगे तो चल देंगे, इसमें भी आए थे रात में।